सो हेलो गाइस, क्या अभी BGMI के बढ़ते स्टोरेज से परेशान है? हमारा जो लास्ट वाला अपडेट आया था BGMI का 2.1 वाला, इसके बाद से आप सभी के डिवाइस में जो एक्स्ट्रा रिसोर्स पैक से वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए होंगे, और ये डिपेंड करता है कि आप मोबाइल डाटा पे गेम प्ले करते हो या वाईफाई पे। सो डोंट वरी गाइस, अगर आप मोबाइल डाटा पे गेम प्ले करते हो तो भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, और अगर आप वाईफाई पे गेम प्ले करते हो तो भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आज की वीडियो में टोटली आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आपका 2 से 3 GB का स्टोरेज है वो कम हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना वाईफाई या फिर नेट जो भी है जिस पर आप गेम प्ले करते हो उसको बंद कर देना है। उसको बंद करने के बाद अपने BGMI ID को ओपन करना है। BGMI ID को जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर कंटिन्यूसली आपके सामने 1x1 3-4 पेजेस आएंगे, तो इन सभी पर आपको ओके क्लिक करते जाना है। इन सबको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए, एक ट्विटर और एक लॉगिन विद फेसबुक। अरे अरे रुको रुको, इसमें से आपको किसी पे क्लिक नहीं करना है। यहीं पे राइट साइड में आपको एक रिपेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे कर देना है क्लिक। जब आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सारे मैप्स और अदर रिसोर्सेज जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ है वो सभी यहाँ पे शो होंगे। तो आप यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा मैप्स है जो आप खेलते नहीं हो, बस आपने डाउनलोड कर रखा है, आपने कभी कभी खेलते हो, तो मैं तो कहूँगा दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट मैप्स है जो आप खेलते हो बस उनको डाउनलोड रखो, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स पैक्स है मैप्स है उन सभी को डिलीट कर देना है। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा मैप्स है उन सभी को डिलीट कर देना है। और अब जो हमारी अगली ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप लोगों में सभी मैक्सिमम गेमर्स को ये ट्रिक पता नहीं होगी। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पता है दोस्तों तो आप कमेंट में मुझे बता देना। अगली ट्रिक को जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जो हमारी अगली ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको आ जाना है कंट्रोल में। यहाँ पे टॉप पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बेसिक कंट्रोल एंड एडवांस कंट्रोल। तो इस स्लाइड में आपको आ जाना है एडवांस कंट्रोल में, और अपने स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, सबसे बॉटम पे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग में 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो पहला ऑप्शन है हाईलाइट मोमेंट, और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों डेथ रिप्ले। अब मैं आपको इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। जो हमारा पहला ऑप्शन है हाईलाइट मोमेंट का, ये जब आप किल्स करते हो तो उन किल्स को कैप्चर करता है, उनकी रिकॉर्डिंग करता है और बैकग्राउंड में उसको सेव कर देता है। और अब जो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन है डेथ रिप्लाई वाला, आपने अक्सर नोटिस किया होगा जब आप गेम प्ले करते हो और आपको कोई बंदा किल कर देता है तो किलिंग के बाद मैच एंड में नीचे एक ऑप्शन आता है डेथ रिप्लाई। क्या आपने कभी उस पर टैप किया है? अगर आपने उस पर टैप नहीं किया तो अगली मैच में उसको टैप करके देखना है कि क्या शो होता है। तो आप मैं बता दूँ, वहाँ पर जब आप टैप करते हो दोस्तों तो वहाँ पर आपको वो रिकॉर्डिंग शो होती है, जब आपको कोई बंदा किल करता है तो वो उतना जो वीडियो होता है उतना कैप्चर किया होता है वो रिकॉर्डिंग वो आपको वहाँ पर शो होता है। अब सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर आपकी गेम प्ले की रिकॉर्डिंग यहाँ से चालू होगी तो आपका स्टोरेज तो बढ़ेगा ही, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यहाँ पे आना है और ये जो 2 सेटिंग्स है इन दोनों को डिसेबल कर देना है। अगर आपके दोनों सेटिंग्स इनेबल रहती है तो आपका स्टोरेज डे बाय डे बढ़ेगा ही, और आपका जो गेम है वो लैग करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जैसे जैसे आपका BGMI का स्टोरेज बढ़ेगा आपका गेमिंग स्लो होता जाएगा और स्टोरेज भी ज़्यादा खाएगा। तो ये जो 2 सेटिंग्स है बाय डिफ़ॉल्ट सभी के डिवाइस में इनेबल रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि इन दोनों सेटिंग्स को डिसेबल कर लेना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक को जानने से पहले दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। तो जो हमारी थर्ड ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए आपको आ जाना है लॉबी में, क्योंकि ये जो थर्ड ट्रिक है ये आपको मैं लॉबी में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लॉबी में दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, इसका क्या यूज़ होता है? मुझे पता है गाइस, आप लोगों में से ज़्यादातर बंदों ने अभी तक इसे नोटिस भी नहीं किया होगा, और आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हमारे लॉबी में शो होता है। तो अब मैंने बता दिया दोस्तों, तो आप अपने लॉबी में जाना और वहाँ पर देखना कि आपके लॉबी में क्या ऐसा एरो शो होता है, और अगर शो होता है ना गाइस तो आपको उस पर एक ज़ोरदार क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। अब ये कोई राशन की तो बिल है नहीं, तो यहाँ से आपको इसको जानना जरूरी है कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है। यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा रिसोर्स पैक्स डाउनलोड किया हुआ है, जो मैप्स डाउनलोड किए हुए हैं और जो थीम्स डाउनलोड किए हुए हैं, वो सभी यहाँ पर शो होंगे। सो गाइस, सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ से जो मैप्स आप खेलते नहीं हो उन सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, जब हम इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सभी मैप्स के लिस्ट शो हो रहे हैं।
अब यहाँ से जो मैप आप खेलते नहीं हो आपने फालतू में डाउनलोड करके रख दिया है, बस आपका स्टोरेज फुल कर रहा है वो, तो यहाँ से उसको खाली कर देना है, उसको डिलीट कर देना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो एक्स्ट्रा रिसोर्स पैक्स है इसमें हम ऐसा क्या डाउनलोड करते हैं जिससे हमारा स्टोरेज फुल होता है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो भी आपके कॉस्ट्यूम्स होते हैं इन्वेंट्री में, जो भी आपके शूज़ होते हैं, वो सभी मटेरियल्स यहाँ पर ऐड होते हैं। और इसके साथ ही साथ आपके जो एक्स्ट्रा रिसोर्स पैक्स में जो मटेरियल्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वो सभी यहाँ पर ऐड होते जाते हैं। तो आपको यहाँ से इसको क्लियर कर देना है। जब आप इसको यहाँ से क्लियर करोगे तो आपके जो भी कॉस्ट्यूम्स है, जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स पैक्स है, वो सभी यहाँ से हट जाएंगे। और आपके डिवाइस से हटने के बाद, आपके VGMI से हटने के बाद, आप जब उन्हें सिंगली डाउनलोड करोगे, यानी कि जब आप उस पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम को डाउनलोड करोगे, तो आपका जो स्टोरेज है वो बहुत ही कम यूज़ होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, आपने नीचे नोटिस किया होगा यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड ऑटोमेटिकली वेन ऑन अ मोबाइल नेटवर्क, यानी कि जब आप मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हो, अपने मोबाइल का डाटा यूज़ करते हो, तो आपके ये जो रिसोर्स पैक्स है, ये जो गेम्स के मैप्स है, ये सभी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको इसे डिसेबल कर लेना है। अगर आप ये वाली मेथड फॉलो करते हो ना गाइस, तो आई एम डैम श्योर आप 1.5 से 2 GB का स्टोरेज यूं ही सेव कर लोगे बहुत ही इजीली। और ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करते जाना है जिससे आपका स्टोरेज बिल्कुल कम हो जाएगा। मेरा जो करंटली VGMI का स्टोरेज है ना दोस्तों, वो मैं अगर आपको बताऊँगा तो आप उस पर यकीन नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा जो VGMI का करंटली स्टोरेज है वो 2.35 GB का है। क्या तेरे बाप से कभी पैसा उधार लिया था क्या मैं? नहीं। तो चिल्ला क्यों रहा है? और उसमें 2 रैंक के 2 अनरैंक के, एक TDM और एक एरेना का मैप डाउनलोड है, यानी कि दोस्तों टोटली 6 मैप डाउनलोड है और ये सिर्फ 2.35 GB में ही है। अब जिस बंदे का 2.5 GB स्टोरेज इतना इजिली सेव हो जाए वो तो चिल्लाएगा ही। तो ये थी गाइस हमारी सिंपली 3rd ट्रिक। आप इसको फॉलो करिए, आपका 2.5 GB इजीली स्टोरेज सेव हो जाएगा।